और वो ऐसा नहीं कि खाली कागजों पर हो, वो कोर्ट्स के माध्यम से कोई भी उनको लागू करवा सके। ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। पर उस समय जो पार्लियामेंट का वो था बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइज था, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था और उसमें भी काफ़ी करप्शन थी, ये भी था, और हम देखेंगे आगे इसको कैसे बाद में सुधारा गया, पर ये कुछ कमियां भी थी। पर ये जरूर था कि फॉरेन ट्रैवलर्स भी आते थे, यहाँ तक कि फ्रांस के वोल्टेयर बहुत बड़े एक विचारक हुए, और जब इंग्लैंडर आए तो उन्होंने भी कमेंट किया है कि यहाँ के लोगों को जो लिबर्टी अवेलेबल है ये बड़ी प्रशंसनीय बात है। ये एक उन्होंने प्रजातंत्र के स्थापना से पहले ही ये चीज़ बना ली थी, और उसमें 1640 से 60 का जो गृह युद्ध है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि स्टुअर्ट चार्ल्स बस को मृत्युदंड दिया गया, और क्योंकि उसने टैक्स लगाए बगैर पार्लियामेंट की मर्जी के, उसने लोगों को अरेस्ट कराया, इस बात पर बादशाह को मृत्युदंड दिया गया। ये कितना बड़ा फर्क है, चाहे वो अकबर महान हो चाहे अशोक महान हो, उन व्यवस्थाओं से या चाणक्य से। चाणक्य ने एक जो ग्रंथ हमें मिलता है राजनीति विचारों पर, चाणक्य हिंदुस्तान, पर चाणक्य ने क्या लिखा है, साम दाम दंड भेद से राजा को कैसे अपनी सत्ता सुरक्षित करनी है। उसने कहीं ये नहीं लिखा कि नागरिकों के राइट्स हो सकते हैं, कि प्रजातंत्र हो सकता है, कि कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जमींदारों से, और जमींदार को भी सजा दी जा सके, राजा को भी सजा दी जा सके। ये सब दूर तक कहीं विचारधाराओं में नहीं है। ये ब्रिटेन का इतिहास का महत्व है, और ये 19वीं शताब्दी में प्रजातंत्र बनने से पहले हो चुका था, ये जो बातें मैंने अभी बताई। इसके अलावा जो ब्रिटेन का सामाजिक ढांचा है उसमें भी कई बड़ी विशेष बातें थी, केवल शासन तंत्र में नहीं, उसमें क्या विशेष था। एक तो तुम्हें पता होगा कि पूंजीवाद उत्तरी पश्चिमी यूरोप में विकसित हुआ, ब्रिटेन, हॉलैंड, कुछ हद तक फ्रांस में कुछ स्तर पर, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले हुआ था। पूंजीवाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ नहीं आया, उसके पहले एग्रीकल्चर में जो ब्रिटेन के जमींदार थे एजुकेटेड, और वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने लगे थे और कैपिटलिस्ट फार्मिंग करने लगे थे। हालांकि एंक्लोजर मूवमेंट में शोषण भी हुआ मजदूरों का, और कई लोग बेदखल किए गए जमीनों से, पर बड़े एस्टेट्स में प्रोडक्टिविटी ग्रो कर रही, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा, इसी तरह से मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, ये ब्रिटेन में पहले ही आधुनिक काल से पहले पूर्व आधुनिक काल में आ चुका था। दूसरी विशेष बात यह है कि जो सामाजिक ढांचा था उसमें एक तो मध्यम वर्ग बहुत बड़ा था ब्रिटेन में, और देशों की तुलना में मध्यम वर्ग का काफी अच्छा प्रपोर्शन था। दूसरा जो एलीट वर्ग था, जो कुलीन थे, वो जमींदार ही थे ज्यादातर, छोटे थोड़े जमींदार जो होते थे उनको जेंट्री बोलते थे, जो बहुत बड़े जमींदार थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते थे, उनको लॉर्ड्स बोलते थे। परंतु ये जो सारा कुलीन वर्ग था एक तो बहुत छोटा था, और देशों की तुलना में करीब 300 लॉर्ड्स थे और 3000 जेंट्री फैमिलीज थी। अब ये लोग 2-3% भी नहीं थे जनसंख्या के, जबकि फ्रांस में, स्पेन में, पोलैंड में कुलीन वर्ग इतना बड़ा था कि उनका भार पड़ता था किसान की पीठ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण, और उससे भी एक और महत्वपूर्ण बात यह कि ब्रिटेन के कुलीनों में समय कैसे बिताते थे जमींदार लोग, क्या करते हैं, डुएल्स करेंगे, है ना, पतंगबाजी कर रहे हैं, मुर्गों की लड़ाई देख रहे हैं, ये जमींदारों के शौक हुआ करते थे अय्याशी के अलावा। ब्रिटेन के जो लॉर्ड्स हैं, अगर तुम्हें उसका एक जरा सा एग्जांपल देखना हो तो जेन ऑस्टन की किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस में डार्सी एक कैरेक्टर, वो लोग अपने एस्टेट्स के डेवलपमेंट में, वहां तक रोड्स की पहुंचनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, इन सब पर, और लाइब्रेरीज, इन सब का रीडिंग का शौक, साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा अलग करता है ब्रिटेन के कुलीन वर्ग को अन्य स्थानों से। हालांकि यूरोप में कुछ और जगह भी ऐसा था, चीन में भी कुछ हद तक था, पर ज़्यादातर कंपेयर करें तो मुगल कुलीन वर्ग या मौर्य, ये हमें एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलते हैं। कि पढ़ने का शौक है, फायर प्लेस के साथ बैठे हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिख रहे हैं, बहुत से कुलीनों ने ये किया है।
ये रचनात्मकता हमें थोड़ी अलग स्तर की नजर आती है। और गरीबों का क्या हाल था? गरीब हर जगह की तरह बहुत शोषित थे, इसमें कोई शक नहीं। जैसा मैंने कहा, एंक्लोजर मूवमेंट में बहुत लोगों को बेदखल किया गया था जमीनों से। पर फ्रांस तक की तुलना में कोई भी अगर ट्रैवलर्स के अकाउंट्स मिलते हैं, आर्थर यंग ने कंपेयर किया है पीटर फ्रांस और ब्रिटेन को, बहुत से लोग घूमने आते थे लंदन, बहुत लोगों ने ये लिखा है कि ब्रिटेन में गरीबी उतनी ज़्यादा नहीं थी। और जो उसका एक बहुत अच्छा पैमाना होता है, मजदूरी की दर क्या है। अब मजदूरी में समस्या है कि फ्रांस के अंदर फ्रैंक में गिनी जाएगी और ब्रिटेन में पाउंड में या पेनी में गिनी जाएगी, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते आसानी से। पर कंपेयर करने का मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, वो है एक मजदूर अपनी दिन भर की दिहाड़ी में कितना गेहूं खरीद सकता है, उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो उसे इंटरनेशनली कंपेयर कर सकते हैं। आज तुम्हें पता होगा दिहाड़ी दिल्ली में करीब 400 रुपये है, अच्छा गेहूँ करीब 20 रुपये किलो मिल जाएगा, यानी कि 20 किलो वो एक दिन की दिहाड़ी में खरीद सकता है। अकबर के टाइम का अगर हम यही चीज देखें तो मैंने कैलकुलेट किया था, उस समय उसकी परचेजिंग पावर केवल 2-3 किलो की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे आप सब को जो पढ़े हैं उनको पता होगा, उसे रेट्स दिए हैं कि गेहूं का रेट ये होना चाहिए, सिपाही की वेतन ये होगा, उनको हम यूज करके वो तनख्वाह उस समय इस्तेमाल करता है। पर तनख्वाह से हम कंपेयर नहीं, हम लोग फिर ये निकालते हैं कि कितना गेहूं खरीद लेता है, उससे हम कंपेयर कर पाएंगे। तो ब्रिटेन में करीब दुगनी मजदूरी की दर थी फ्रांस इत्यादि से, और हिंदुस्तान वगैरह से तो तिगनी के करीब उस समय रही होगी। हालांकि दिल्ली वगैरह कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, गुजरात में, बंगाल में, कई हिंदुस्तान में भी ऐसे एरिया थे जहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट हो गया था उस समय। पर मैंने जो कंपेयर करके देखा कि और बहुत से ट्रैवलर्स का भी कमेंट है कि जितना फटेहाल बगैर जूतों के जिस तरह से फ्रांस में और खासतौर पर पूर्वी यूरोप में जो किसान या दिखता था सब, वैसा हालत जो लंदन इत्यादि में और ब्रिटेन में नहीं थी। इसके अलावा सांस्कृतिक भी कुछ विशेषताएं थी ब्रिटेन की। एक तो अभी मैंने मेंशन किया था कि जो कुलीन है वहां का, वो रुचि लेने लगा था साहित्य में बहुत ज्यादा। बड़े बड़े बादशाह वगैरह भी लेते थे और जगहों पर खुद लिखना और खुद साइंस में इंटरेस्ट लेना, ये सब चीजें ज्यादातर कुलीनों में कम मिलती है क्योंकि अय्याशी बहुत ज्यादा होती है। पर ब्रिटेन का कुलीन वर्ग इस चीज में थोड़ा सा अलग नजर आता है। उसके अलावा लिटरेसी, साक्षरता 50% से ऊपर हो गई थी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। ये साक्षरता दर बहुत अच्छी है, इवन फ्रांस की तुलना में, पूर्वी यूरोप में तो 10-20%, फ्रांस में 30-40%, और 19वीं शताब्दी में फिर यह बहुत ऑफकोर्स तेजी से बढ़ती है। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पहला दुनिया का समाचार, दुनिया का पहला नॉवल, दुनिया की पहली शॉर्ट स्टोरी, ये सब ब्रिटेन में लिखे थे। एक रीडिंग कल्चर था उस समय। अखबार एक मजदूरी दिन भर की लग जाएगी अगर वो अखबार खरीदेगा, तो ज्यादातर लोग अखबार खरीदते नहीं थे, पर रीडिंग क्लब्स होते थे, लाइब्रेरीज खुलने लगी थी और छोटे शहर में। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विशेषता है। और इसी समय लेकिन जो धार्मिक मिशनरी इवेंजलिज्म बोलते हैं, अलग अलग जो क्रिश्चियन सेक्ट्स थे वो अपने आप को बढ़ाने के लिए, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियंस, इस तरह के आपस में ये बटे हुए थे और सब अपने आप को बढ़ाने के लिए बड़ा एग्रेसिव, ये एक नकारात्मक साइड भी है। और उससे भी ज़्यादा नकारात्मक ये कि 17वीं शताब्दी में गायन अभियोग की कुरीति बहुत बढ़ गई, विच ट्रायल्स, किसी भी महिला को विच ठहरा देना और उसको फिर अभियोग चला के कई बार तो मार देते थे, कई बार मारते नहीं थे तो निकाल देंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत 17वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में बढ़ रही थी। पर ब्रिटेन की खास बात ये कि 18वीं शताब्दी के बाद ये खत्म। सती प्रथा तुम्हें पता होगा आज तक हिंदुस्तान में खत्म नहीं हुई है। ये फर्क है ब्रिटेन और हमारे जैसे समाज का। अगर वो कुछ सुधार करते हैं तो वो पक्का नजर आएगा कुछ दिन बाद जमीन पर।
हम लोगों का बहुत सा केवल कागजों में होता है, कानूनों में होता है, जमीन पे पूरी तरह से वो लागू नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है ब्रिटेन के पॉलिटिकल कल्चर का। और सिविल सोसाइटी इवॉल्व करेगी। सिविल सोसाइटी का क्या मतलब होता है, आप में से कोई मेंशन कर सकते हैं सिविल सोसाइटी क्या होता है? छात्रों में से कोई बता सकते हैं, छात्राओं में से? देखो सिविल सोसाइटी मॉडर्निटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। सिविल सोसाइटी का मतलब है कि एक तो सिविल से इंडिकेट करता है कि वायलेंस ना हो, और हम लोग अपनी एथनिक लॉयल्टीज की बजाय अपने मन से चुने गए एसोसिएशंस की मेंबरशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। मैं हिंदू हूँ, मैं दलित हूँ, या इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं टीचर हूँ, ये ऐसी एसोसिएशंस हैं जिनमें मैं निकल सकता हूँ। जन्मजात नहीं, दलित हो गया तो वो जन्मजात हो गया, हिंदू हो गया वो जन्मजात होगा, हमेशा के लिए रहेगा, और उसके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स भी होती हैं। और पर सिविल सोसाइटी ऐसी है जिसमें इन एथनिक लॉयल्टीज की बजाय निर्जातीय निष्ठाओं की बजाय सेल्फ चोजन सोसाइटीज और एसोसिएशंस, उनसे जो निष्ठा है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका एवोल्यूशन हमें हेबरमास, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने एक किताब लिखी है द एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, उसने यही एक मुख्य बिंदु है कैसे फ्रांस और खासकर ब्रिटेन में, हॉलैंड में ये चीज इवॉल्व कर रही थी। ये मॉडर्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूं कि मुख्य परिवर्तन कौन कौन से आए मॉडर्न पॉलिटिक्स और प्रजातंत्र के विकास में। मैंने 1066 का जो आक्रमण बताया था, नॉर्मेंस का कॉन्क्वेस्ट हुआ, उसके बाद एक विशाल जमीनी बंदोबस्त हुआ। और खास बात यह है कि उस समय के जो बहुत से फैमिलीज हैं वो अभी तक चले आ रहे, सदियों पुरानी फैमिलीज हैं जो उन्हीं एस्टेट्स पर, जिनको हम जैसे लॉर्ड कर्जन के नाम से, लॉर्ड एडिनबरा, इन लोगों के जगहों के नाम से जाने, इनकी एस्टेट्स हैं और वो सदियों तक चले हैं परिवार। इसको थोड़ा सा हमें कंट्रास्ट करना चाहिए। क्या बलबन का परिवार है आज? बलबन छोड़ दीजिए, मुगल भी कुछ एक दो कहीं चांदनी चौक की गली में मिलेंगे, क्योंकि जब शेरशाह जीतते हैं, हुमायूं को भगाते हैं, तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता। जब एक वंश खत्म होता है तो इतनी भयंकर हिंसा, और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, बहुत सी जगहों पर, चीन में जैसा मैंने कहा था, चीन में भी थोड़ा सा चेक था इस चीज पर इंग्लैंड के अंदर ये एक विशेष बात है कि वायलेंस उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, वो तो कुछ करे कदम बताए उनकी वजह से। और उसमें एक अगला कदम बहुत इंपॉर्टेंट था, 1215 का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को लोग जानते हैं, जॉन किंग को हाउस लॉर्ड्स ने मिलकर बातें किया और साइन करवा लिए, पर उसमें कि साइन क्या करवाए कि आप बगैर पार्लियामेंट की मर्जी के कोई कानून नहीं बनाओगे, कोई टैक्स नहीं लगाओगे। खास बात यह है कि जॉन तो उस समय वीक किंग था, पर बाद में हेनरी III, हेनरी VIII कितने शक्तिशाली राजा आते हैं, कोई उसको बदलता नहीं है। तो ये जो कानून के लिए रिस्पेक्ट है, ये इस एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, ये मॉडर्न नहीं है, ये मॉडर्न सोसाइटी, कई लोग कहते हैं ये मॉडर्निटी से लिंक कर रहे हैं, नहीं, ये एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है। पर इसीलिए बहुत ज्यादा ये विशेष और विचारणीय है कि इस सोसाइटी ने मेडिवल ईरा में इस तरह की कानून की व्यवस्था और उसकी कानून की रिस्पेक्ट, जो कि विकास का एक बहुत बड़ा आधार, इसको शुरू कर दिया था बनाना, ठीक है। और मैग्ना कार्टा में बाय द वे खाली लॉर्ड्स की पावर नहीं बढ़ी है किंग के लिए, पर फॉरेस्ट लॉज भी थी कि आम आदमी भी हंटिंग कर सकता है, वरना बहुत सारी रोक लगाई जाती थी। और बाद में अभी हम देखेंगे कि ब्लैक एक्ट वगैरह बाद में पारित किए गए कि नहीं, केवल लॉर्ड्स का राइट है, एक खरगोश भी नहीं पकड़ सकता किसान, और उसके लिए डेथ का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये कश्मकश चली, पर मैग्ना कार्टा में इस तरह की भी कोशिश हुई थी। एक बहुत इम्पोर्टेंट रिबेलियन था 1388 में, मैं थोड़ा सा वर्ष बोल रहा हूँ, जॉन बॉल एक पादरी थे,
उन्होंने सर्वधर्म खत्म करने की मांग करी और उसके लिए उनको बाद में सुलीच पर चढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने घेराव कर लिया था राजा का। अब ये हम जरा सा कंट्रास्ट करें कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ तो हजारों साल से हिंदुस्तान में है, हजारों साल से एक बड़ा विद्रोह हम दिखा सकते हैं। विद्रोह की तो बात छोड़िए, कितने लोगों ने इसके इसके उन्मूलन के लिए व्यवस्थित ढंग से लिखा। तो ये एक बड़ा फर्क है ब्रिटिश पॉलिटिक्स का मध्यकाल में ही, ये बहुत विचारणीय बात। फिर 1265 में हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई, ये बहुत बड़ा एडवांस। हैबियस कॉर्पस रिट, कोर्ट्स ने ये एक ऑर्डर किया कि हम बुला सकते हैं कोई इसी को, अगर कैदी को आपने पकड़ा है तो वो ठीक ठाक है, उसको टॉर्चर नहीं किया जा रहा। ये फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर मेरे ख्याल से विकास के लिए बहुत एक बुनियादी आज़ादी है जिसकी ज़रूरत है। किसी को भी ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेगी तो मुझे टॉर्चर किया जाए। ये टॉर्चर ही किया जाता था, जो हिंदुस्तान में अगर जेल नहीं होते थे, हाथियों के आगे डाल देंगे, खौलते तेल में डाल देंगे, आंखें निकाल लेंगे, जेल पे खर्चा नहीं करेंगे। ये विकास की और जो बाद में हम देखते हैं ब्रिटेन की ताकत आर्थिक क्षेत्र में सांस्कृतिक स्तर पर जो बढ़ती जाती है उसके ये बहुत महत्वपूर्ण आधार है। ट्यूडर्स के काल में पार्लियामेंट की पावर थोड़ी बढ़ती है, बहुत शक्तिशाली राजा और रानी एलिजाबेथ के बावजूद पार्लियामेंट का से गवर्नेंस में बढ़ता है, खासतौर पर बजट पे कंट्रोल। स्टुअर्ट्स के काल में इस बढ़ती ताकत को राजा कंट्रोल निरस्त करने की कोशिश करते हैं, तो सिविल वॉर होता है, रेवोल्यूशन होता है और राजा को मृत्युदंड दिया जाता है। और उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन से एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का आधार एकदम पुख्ता हो जाता है, इंक्लूडिंग जो मैंने कहा बिल ऑफ राइट्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत से स्कूल की किताबों में इतिहास में ये बताया नहीं जाता, पर मेरे ख्याल से बिल ऑफ राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का इशू है। फिर 1770s और 80s में खासतौर पर विल्क्स केस हुआ था और प्रेस की आज़ादी और अरेस्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट बगैर वारंट के इत्यादि, ये सब जो बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार है हमारे आज, इनके लिए संघर्ष होते हैं और इन्हें स्थापित किया जाता है। पर सब कुछ अच्छा नहीं था, थोड़ी सी चीज़ें जो बहुत बुरी थी इस समाज में वो क्या थी। एक तो यही समाज अब विस्तारवाद पर निकला, साम्राज्यवाद पर निकला है और दुनिया के मैंने जैसे कहा इतने बड़े हिस्से पर ये करीब एक स्टेट में 50 करोड़ लोगों पर शासन कर रहे थे, ये 2 करोड़ लोग। इसके अलावा अपने ही निकट एकदम आयरलैंड पर बहुत अत्याचार हुआ ब्रिटिश राज्य का। आयरलैंड तो कोई दूर का उपनिवेश नहीं था, पर यहाँ पर 2-3 चीज़ें जुड़ गई थी। एक तो जो किसान थे वो सब कैथोलिक्स थे और लॉर्ड्स उनके सब प्रोटेस्टेंट्स थे, तो उससे और ज़्यादा दूरी और तनाव बढ़ गया। और इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का विवाद था, तो ये बड़ा लंबा मसला चलेगा जिसको हल नहीं कर पाती ब्रिटिश पॉलिटिक्स प्रथम विश्व युद्ध तक। ये एक नकारात्मक पहलू था। फिर ऑफ कोर्स वोटिंग राइट, वो इलेक्शन सिस्टम शुरू हो गया था 14वीं शताब्दी में, पर ये केवल बहुत ही सीमित 1832 में जब पहली बार ये मताधिकार बढ़ाया जाता है उस समय, और विमेन को बिल्कुल नहीं था। ये सब नकारात्मक पहलू हैं। और जैसा मैंने कहा ये मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे ये लोग कि हमारा राजा भी है पार्लियामेंट भी है, हम किसी एक के पास सारे अधिकार नहीं है, सत्ता नहीं है, पर इसमें करप्शन की भी प्रॉब्लम थी और इलेक्शंस वगैरह में काफ़ी वोट खरीदे जाते थे या दबाव के आधार पर, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग भी नहीं था उस समय। अब मुख्य परिवर्तन क्या आए इसको प्रजातंत्र को विकसित करने और दुरुस्त करने में, अब मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा जो मुख्य एक्ट पारित हुए, पर यह हर किताब में मिल जाते हैं।
1832 में मताधिकार थोड़ा सा बढ़ाया गया, पर ज़्यादा बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि जो नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बहुत कम थी, जबकि पुराने कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पर 10-12 लोग खाली वोट डालने वाले हैं और उनके पास सीट है पार्लियामेंट। तो इसको जो असंतुलन था उसको ठीक किया गया इस एक्ट के द्वारा। पार्टी सिस्टम भी इस एक्ट के बाद थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ और दोनों पार्टीज को कंपटीशन की वजह से सुधारों की नीति की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन है इसका एक बहुत अच्छा स्पिन ऑफ या एक साइड इफेक्ट ये होता है कि सुधारों के लिए भी कंपटीशन होता है। और हम इसीलिए देखेंगे कि ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो लॉर्ड्स जिसका मुख्य सामाजिक आधार थे उन्होंने वोट डालने का अधिकार 1867 में बढ़वाया, सब शहर के पुरुषों को दिलवाया। डिज़रेली प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, वो कंजर्वेटिव पार्टी के, तो अपेक्षा नहीं थी कि वो करेंगे, पर ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन है ये फोर्स करता है उच्च वर्ग के नेताओं को भी निम्न वर्ग की बात सोचने और उनके लिए कारगर सुधार लाने के लिए। फिर 1884 में गांव के गरीब पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिला, महिलाओं को अभी बिल्कुल नहीं मिला है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का, जैसे मैंने बताया था, महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला, पर यह भी पूरा हुआ 1928 में, क्योंकि सब महिलाओं को नहीं मिला था उस समय। इस तरह से वोट डालने का पूरा यूनिवर्सल जो एडल्ट पंचायत बोलते हैं ये प्रक्रिया पूरी हुई। पर इसी से खाली प्रजातंत्र स्थापित नहीं हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वोट डालने का अधिकार सब पुरुषों को तो 1871 में बिस्मार्क ने भी दे दिया था जर्मनी में, पर उसके कोई मायने नहीं है क्योंकि राइक्सटाग जो वहां की सभा है जिसके लिए वो लोग चुन सकते थे उसकी कोई पावर ही नहीं या बहुत कम पावर है, केवल बजट पर है। पर हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन का है यह असली पावर है, इसमें जिसकी मेजोरिटी होगी वही गवर्नमेंट बनाएगा। ये जो कैबिनेट सिस्टम है ये महत्वपूर्ण बनाता है इस वोट अधिकार के बढ़ने को, वरना फ्रांस में भी 1848 में एक बार तो वोट अधिकार पुरुषों में ही गया था जिससे नेपोलियन थर्ड इलेक्ट हुए, पर उसका कोई खास माने नहीं क्योंकि थोड़ी कुछ दिन बाद नेपोलियन थर्ड डिक्टेटर बन गए। पर यहाँ वोट अधिकार के बढ़ने के साथ साथ उस निर्वाचित सदन की सबसे ज्यादा पकड़ है सत्ता पर, इसलिए ये प्रजातंत्र का विकास महत्वपूर्न है। 1885 में और 1948 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस का स्ट्रीमलाइनिंग हुआ। फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट म्यूनिसिपल रिफॉर्म एक्ट 1835 का है। लोकल गवर्नमेंट एक्चुअली आम आदमी के ज़्यादा नज़दीक होती है और इसका सुधार बहुत महत्वपूर्ण था। 1872 में सीक्रेट बैलेट, इससे पहले सीक्रेट बैलेट नहीं होता था, हम लोग शायद तुम सब कल्पना नहीं कर पाओगे कि पहले खुले में अपना हाथ खड़ा करके वोट बताना होता था किसको दे रहे हैं, तो कौन सेवक अपने मालिक के खिलाफ वोट दे पाएगा, पर सीक्रेट बैलेट 72 में। और 1911 में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कॉमन्स द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने की प्रावधान खत्म हो गए। हाउस ऑफ कॉमन्स अगर 3 बार कोई कानून पारित कर देता है तो लॉर्ड्स को मानना ही पड़ेगा, ये आसानी से नहीं हुआ था, इसके लिए बहुत कश्मकश हुई थी, पर ये प्रजातंत्र के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल प्रजातंत्र विकसित नहीं हो रहा है, साथ ही और कई क्षेत्रों में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, और उनमें सबसे पहला है वेलफेयर सिस्टम का विकास। और वेलफेयर सिस्टम का विकास भी प्रजातंत्र की तरह ही मध्य युग में उसके बीज देखे जा सकते हैं। एडवर्ड थर्ड किंग ने प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए, जो ब्लैक डेथ का दौर था उस समय, प्राइसेस और वेजेस को रेगुलेट करने के लिए कानून पारित किया। और जैसा मैंने कहा इन कानूनों का महत्व है, ये केवल कागजों पर नहीं है। अंग्रेजी कानूनों की खास बात यह है कि वो अमूमन लागू होते थे, वरना हमारे पास भी बहुत सारे कानून हैं, तो कितना बड़ा फर्क है। और ये मध्यकाल से ही लागू होते थे, 1215 में अगर जॉन ने साइन कर दिया तो ऐसा नहीं कि हेनरी एट आकर के उसको बदल देंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स या पार्लियामेंट की वैल्यू है तो है, कोई कानून उसको, ये लोग कानून के खिलाफ नहीं चाहते, ये उनके विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, कानून के लिए रिस्पेक्ट। अगर हमें उस कानून गलत लगता है तो कानून बदलवाएं,
शांतिमय तरीके से मोबिलाइज करके, पर ये नहीं कि हम कानून तोड़ना शुरू कर दें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। फिर वेलफेयर के विकास में 1601 में एलिजाबेथ ने आउटडोर रिलीफ सिस्टम शुरू किया कि सब पैरिश होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र समझ लीजिए तहसील हमारी, उनमें टैक्स इकट्ठा होगा और जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सहायता के लिए उसका उपयोग होगा। अब ये जो चैरिटी सिस्टम हर समाज में होता था, खासतौर पर इस्लाम में जैसे बहुत अच्छी चीज़ें ज़कात, हर जो परिवार है जो अगर उस वो कर सकता है तो मेरे ख्याल से 5% या कितना उनको अपनी कमाई का अलग रखना चाहिए, ये उनका प्रावधान है। ओके मुझे ठीक से जान लिया, 2.5% ज़कात के लिए अलग रखना होता है जैसा ब्रदर ने बताया। पर इसी तरह की व्यवस्था भिक्षा की बौद्ध धर्म में और सब जगह है, पर ये दया पर निर्भर करता है, ये ऑप्शनल है, डिस्क्रिशन पर। वेलफेयर सिस्टम का मतलब है कि कानूनी जो बाध्यता है कि नहीं ये एक एज अ सिस्टम वर्क करेगा, कोई किसी से भीख नहीं ले रहा अगर जरूरतमंद है, ठीक है। ये एलिजाबेथ के पुअर लॉ का इंपॉर्टेंस है। फिर 1798 में ये कुछ चीजें हैं, जो सारी मैं नहीं गिनूंगा, पर इनकम टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कि जैसे तो मैं बताऊंगा फ्रांसीसी क्रांति इसलिए हुई थी कि जिनके पास सब कुछ है वो तो एक टैक्स नहीं देते, और जो बेचारा बरसात सूखा हर चीज से जूझता हुआ कुछ थोड़ा बहुत उगाता है उससे छीन लिया जाता है आधे से ज्यादा हिस्सा। ये जो लगान की व्यवस्था है, जमींदारी शोषण है, ये इससे दूर हटकर ब्रिटेन में लॉर्ड्स भी टैक्स देते हैं, जेंट्री टैक्स, टैक्स स्टेट उनसे कलेक्ट करता, और इसीलिए लड़ाई हुई थी सिविल इंग्लिश रेवोल्यूशन की, ये जेंट्री लड़ा कि आप टैक्स कैसे इकट्ठा कर सकते हैं हमसे पार्लियामेंट से पास करवाए बगैर, चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ जो लड़ाई हुई, क्योंकि टैक्स उनसे लिया जाता था, अमीरों से लिया जाता। फिर 1802 से जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया है तो अप्रेंटिसेस एक्ट, यानी कि उनकी हेल्थ वगैरह के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, अप्रेंटिसेस होते हैं शागिर्द जो लोगों बड़े कारीगरों के साथ काम सीखते थे, उनकी सेफ्टी के लिए कानून पारित हुआ। स्लेव ट्रेड पहली बार अबॉलिश हुआ 1807 में। फ्रांसीसी क्रांति में भी ये चेष्टा हुई थी पर उसके कुछ खास मायने नहीं थे हाइती के एक आज़ादी के अलावा, फ्रांसीसी इतनी उथल पुथल रही क्रांति में कि कुछ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। पर 1807 में स्लेव ट्रेड को ब्रिटेन ने अबॉलिश किया। अभी स्लेवरी पूरी तरह, क्योंकि पुराने जो स्लेव थे वो रहे, वो 1833 में अबॉलिश किए गए, ये दुनिया में पहली बार ब्रिटेन ने किया। ये सब चीज़ें बड़ी विचारणीय लगती हैं। फिर जो माइनॉरिटीज के लिए, कैथोलिक्स वहाँ पर माइनॉरिटी कौन होते थे, एंग्लिकन चर्च मेन एस्टैब्लिशमेंट चर्च है और जो माइनॉरिटीज है कैथोलिक्स और प्रेस्बिटेरियंस या प्यूरिटन्स, ये लोगों के को ये कुछ ऑफिसेस के लिए नहीं ज्वाइन कर सकते थे, उस तरह की बंदिशें खत्म की गई 1828 में। 29 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पहला पारित हुआ जिसमें महिलाओं और बच्चे जो काम करते थे उनकी सुरक्षा के लिए और उनके लिमिटेड आवर्स के लिए। फिर एजुकेशन में 1833 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1848 में हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म शुरू हुए। ये सब वेलफेयर स्टेट का एवोल्यूशन है। और 1870 के बाद ट्रेड यूनियंस बनाने का राइट, स्ट्राइक करने का राइट, मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क, ये सब महत्वपूर्ण जो श्रमिकों से संबंधित सुधार थे ये हुए। और 1908 में फिर बहुत महत्वपूर्ण, ओल्ड पर्सन्स के लिए पेंशन होनी चाहिए। ये हमारे संविधान की मुझे एक ही कमी लगती है कि क्यों अंबेडकर ने, नेहरू ने एक यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू नहीं किया, कोई बहुत खर्चा नहीं आता, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस ये नहीं है हमारे यहाँ, अब कोशिशें थोड़ी बहुत की जा रही है पर ये बहुत बड़ा लैप्स है जो हम यूनिवर्सल एश्योरेंस नहीं दे रहे। देखो मैंने जो अपने फील्ड वर्क में देखा है, सबसे ज्यादा दुख कहाँ होता है, जब गरीबी और बीमारी इकट्ठे प्रहार करते,
ये छोटी सी चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस हमको क्वालिटी हेल्थ इंश्योरेंस सब परिवारों को मिलना चाहिए। ये चेष्टाएं 1908 में और फिर बड़े स्तर पर 1945 में कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, जिसमें ये हेल्थ, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये सब सफलता से लागू करवाया गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस सिविल सर्विस एग्जाम्स 1868, लंदन पुलिस 1829, जिसके मॉडल पर फिर हर शहर में पुलिसिंग सिस्टम शुरू हुआ। जैसा मैंने कहा, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, ये इतनी डिसिप्लिन सोसाइटी लगती है। तुम्हें पता होगा सिविल वॉर हमारे यहाँ जब हुआ था पार्टीशन में, मैंने अभी बताया था, 20 लाख लोग कत्ल किए गए, जिंदा जलाए गए, रेप्स हुए। इंग्लिश सिविल वॉर में पता कितने लोग मरे? कुछ 100 लोग, केवल 4 बड़ी बैटल्स हुई बस। उसको हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं। गॉर्डन रायट्स हुए थे, कुछ दर्जन लोग मरे, उसको हम वो ब्रिटेन का सबसे बड़े रायट्स में से। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है जो बड़ा विचारणीय है कि भीड़ को भड़काया नहीं जा सकता गले काटने के लिए जरा जरा सी बात कर। अभी हमने हरियाणा में देखा था क्या हुआ। तो ये बड़ी एक सीख लेने वाली बात है ब्रिटेन से। पर आयरलैंड उसका एक बड़ा स्याह पहलू था, ये मैंने पहले कहा है। साथ ही मार्केट रिफॉर्म्स हो रहे थे। मार्केट रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? कि मोनोपोलीज ना हो, राज्य हस्तक्षेप ना करे अर्थव्यवस्था में, और बाजार पर छोड़ दिया जाए प्राइसेस, वेजेस वगैरह सब कुछ। अब इसका भी नकारात्मक पहलू है, इससे असमानता बढ़ती है और साथ में ये जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आर्टिफिशियलिटी। तुम्हें पता होगा शायद कि अमेरिका का 10% जीडीपी खाली कॉस्मेटिक्स पर है, कॉस्मेटिक्स और फैशन पर। आर्टिफिशियल डिमांड्स ये कैपिटलिज्म जनरेट करता है। तो ये उसके कुछ नकारात्मक पहलू एडवर्टाइजिंग से वगैरह वगैरह। पर उस समय के स्तर से अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी था। ग्रोथ की दर को बढ़ाने के लिए कंपनीज एक्ट, बैंक चार्टर एक्ट, ये सब चीज़ें में सुधार लाया गया। अब मैं थोड़ी सी बस टिप्पणी करूँगा कि ये सारों को अब हम इकट्ठा देखते हैं कि इसमें यूनिकनेस क्या है। पहली यूनिकनेस ये है कि ये प्रायः बगैर हिंसा के हुआ। आंग्ल क्रांति के बाद प्रायः हिंसात्मक क्रांति नहीं हुई ब्रिटेन के अंदर, और ये वो दौर था जब पूरा यूरोप फ्रांसीसी क्रांति के बाद बड़ी बड़ी क्रांतियों के दौर से गुजरा। तो ब्रिटेन ने इतने सारे सुधार किए बगैर किसी क्रांति। दूसरी उसकी यूनिक फीचर ये है कि ये ज्यादातर स्मॉल स्टेप्स में चेंजेस हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री एक्ट 1802 में, एक अप्रेंटिसेस एक्ट पारित हुआ 1833 में महिलाओं और बच्चों के लिए, 1844 में पुरुषों के सेफ्टी वगैरह के लिए। तो स्मॉल स्टेजेस में ये लोग स्टेप्स लेते हैं, पर इंपॉर्टेंट एक और बात है कि कभी रिवर्स नहीं करते। तुम्हें पता होगा फ्रांसीसी क्रांति में रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, 1848 में दोबारा से रिपब्लिक बना फ्रांस में, पर हर बार डिक्टेटर्स पे वापस आ जाते। तो फ्रांस जैसे शहर में बाकी होंगी तो बहुत दूर की बात है, रिवर्सिंग बहुत है। पर ब्रिटेन की एक बड़ी जो स्पष्ट सामने नजर आती है बात कि स्मॉल स्टेप्स पर ये लोग उनको लागू रहने देते हैं, उनका निराकरण नहीं होता कभी। कानून की रिस्पेक्ट बहुत। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि ब्रिटेन के कुलीन वर्ग से ही सुधारों की जो स्वीकृति है वो बनने लगती है, और इसीलिए जो श्रमिक वर्ग है उसको ये भी एक कारण था कि बहुत ज़्यादा हिंसात्मक रास्ता अपनाने की नहीं सोचनी पड़ी।
ब्रिटेन का श्रमिक वर्ग सबसे बड़ा था प्रपोर्शन अगर खाली परसेंटेज वाइज देखें तो, पर इन्होंने चार्टिस्ट आंदोलन भी हुआ, उनकी मांगे थी कि सब पुरुषों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं के लिए उन्होंने भी वोट नहीं मांगा, पर एनुअल पार्लियामेंट होना चाहिए और जो सैलरी होना चाहिए, ये छः डिमांड्स थी उनकी डेमोक्रेसी को लेकर। पर उन्होंने भी हिंसात्मक आंदोलन किया, लाखों सिग्नेचर्स इकट्ठे करके पार्लियामेंट को देना, और उनकी बात नहीं मानी गई, परंतु बाद में 1870 के बाद ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपना ली गई। ये मुख्य विचारधाराएं थी जो कम्पीट कर रही थी ब्रिटिश पॉलिटिक्स में। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये नहीं होता, उसका हालांकि अनुवाद है रूढ़िवाद, परंतु रूढ़िवाद का यहाँ मतलब ये नहीं कि सुधार ना हो, पर वो लोग ये बहुत चिंतित थे कि सुधार धीमी गति से होने चाहिए और जो हमारी पुरानी संस्थाएं हैं उनको हमें खत्म नहीं करना है। इसीलिए ब्रिटेन में आज तक राजतंत्र खत्म नहीं हुआ, हालांकि महारानी को अपनी पॉकेट मनी बढ़वाने के लिए रिक्वेस्ट बार बार करना पड़ता पार्लियामेंट, इतनी भी ताकत नहीं है महारानी, उनको खर्चे में दिक्कत आ रही है पर पावर कुछ नहीं है, पर हाँ वो खत्म नहीं करेंगे राज, वो ब्रिटिश क्राउन रहेगा। इसी तरीके से हाउस ऑफ लॉर्ड्स आज तक खत्म नहीं हुआ है, हालांकि रेडिकल्स जो थे वो ये डिमांड्स कर रहे थे, पर कंजर्वेटिव्स क्योंकि एक पावरफुल पार्टी रही है ब्रिटेन में, इसलिए ये संस्थाएं खत्म नहीं, पर उनका जो सत्ता है वो खत्म कर दी गई। यूटोपियन सोशलिज्म एक अच्छा पल्लवित हुआ ब्रिटिश सोसाइटी में, आप में से कोई बता सकते हैं, या सोशलिज्म का पहले मतलब बताइए, ये बहुत आसान है, सोशलिज्म क्या होता है? तुम्हारे टीचर ज्यादातर सोशलिस्ट है, पता है तुम्हें सोशलिज्म क्या होता है? बताए ओके ओके, कैन एनीवन इंप्रूव दिस? ओके, देखो समाज सेवा नहीं, हालांकि समाज सेवा की भावना सोशलिस्ट में बहुत ज़्यादा आमतौर पर होनी चाहिए। हाँ वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम? ओके, दिस इज वेरी क्लोज टू द राइट आंसर। लिबरलिज्म व्यक्ति की आज़ादी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, वो भी समानता के खिलाफ नहीं है बल्कि वो लीगल इक्वालिटी और मॉरल इक्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। मॉरली हम सब एक है, बल्कि हो सकता है जो गरीब है वो मॉरली सुपीरियर है, पर वो आर्थिक समानता को बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि आर्थिक समानता लाने के प्रयास में इतना कठोर तंत्र बनाना पड़ता है कि वो व्यक्ति की आज़ादी को अंकुश लगाने लगता है, ये उदारवाद है। समाजवाद यह है कि नहीं, आर्थिक समानता ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे उसमें व्यक्ति की आजादी थोड़ी बहुत खत्म करनी पड़े, क्योंकि ये एक अन्याय है कि कोई गरीब पैदा होता है कोई अमीर पैदा होता है, और